जिला बिलासपुर अस्पताल के परिसर में ट्रामा सेंटर के सामने बन रहे शवगृह मामले को लेकर नया मोड़ ले लिया है और धरने का दूसरा दिन हो गया है, जिसको लेकर अब समाज सेविका बिजली महंत व अन्य संस्थाओं ने समर्थन दिया है और जिला अस्पताल के सीएमओ के खिलाफ खूब नारेबाजी की तथा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। दूसरे दिन धरने पर बैठे हो जाने के कारण अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं लिया है और उनके पास कोई मिलने तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि हर हाल में शवगृह को बनने नहीं दिया जाएगा, अभी शांति पूर्व तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को कल का समय दिया गया है, अगर कोई समाधान नहीं निकला तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा और कल शाम से अनशन पर सभी समर्थन देने वाली संस्था बैठ जाएंगी तथा परिसर में रखा गया रेत, बजरी, सरिया इत्यादि को यहां से खुद ही उठा दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धरने प्रदर्शन में काफी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि अगर फिर भी शवगृह के बारे में नहीं सोचा गया तो सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तकरीबन 1 बजे से हम दोपहर को यहाँ पहुँचे थे, डीसी ऑफिस गए, डीसी ऑफिस में वहाँ डीसी साहब बिजी थे इसलिए ज्ञापन नहीं दे पाए। हम लोगों ने ज्ञापन भी व्हाट्सएप करा, कॉल करने की कोशिश करी, डीसी साहब ने फोन नहीं उठाया। उसके बावजूद हमने यहाँ के विधायक को फोन करना, उन्होंने भी कॉल नहीं उठाई। उसके बाद जब हमने देखा कि लोग कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, ना कोई प्रशासन जवाब दे रहा है, ना ही हरकत में आ रहा है। तो यहाँ पे मिस्त्री लगे थे, हम लोगों ने उनको रोका और काम बंद करवा दिया। तो कल 1 बजे से यहाँ का जो कार्य है चला हुआ था, निर्माण कार्य, वो हम लोगों ने बंद करवाया। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे थे, इतनी देर में यहाँ के कानपुर साहब आके पूछते हैं क्या हुआ, हमने बोला हमने काम बंद करवाया, वो भी गुस्से में चले गए। उसके तुरंत बाद यहाँ से किसी ने पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, हमारे से पूछा गया आप कब तक हैं, हमने बोला वैसे शायद शाम तक हैं, जब कोई हमारे से बात करने आएगा तो शाम को मुड़ जाएंगे। लेकिन दिन में 1 बजे से हम लोग बैठे हैं, ना तो यहाँ पे किसी ने प्रशासन ने बात करनी चाहिए, ना सीएमओ साहब ने बात करनी चाहिए, इसलिए हमने अपने इस धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू कर दिया। सारी महिलाएं रात को बैठी थी यहाँ पे, अकेली महिलाएं बैठी थी और जमीन पे बैठी थी। उसके बाद हमने शाम को दरी मंगाई, बैठने का इंतजाम करा, यहाँ पे थोड़ी देर सोने का इंतजाम करा क्योंकि हम महिलाएं थे। उसके बाद शायद रात को यहाँ पे पुलिस आती रही, लेकिन हमारी बात नहीं उनसे इतनी हुई। आज हम लोगों ने सोचा था कि सबसे पहले हम सीएमओ साहब को पूछेंगे। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये शवगृह पहले कहीं और बना रहे थे अपनी मर्जी से ही, जिसमें पूरे बिलासपुर की किसी की भी राय नहीं ली गई है कि यहाँ पे शवगृह बनना चाहिए या नहीं। वहां से रोका गया तो इन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ पे इसको बनाना शुरू कर दिया। आप जरा इधर जब कैमरा घुमाएंगे देखेंगे, इसके नीचे की जो जमीन है वो पूरी वेस्ट हो रही है। ऊपर शवगृह बनेगा, नीचे की जमीन आपकी सिर्फ इसकी दीवार रहेगी नीचे को। अगर आपको इसको इतना काट देते हो तो मुझे लगता है नीचे सड़क से इधर तक ये भी जमीन हमारी काम आ सकती है, इसके ऊपर भी हमारी जमीन काम आ सकती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बहाना लगाया, यहाँ जमीन कम है और वहाँ जमीन ज्यादा है तो वहाँ पे कुछ और बना दिया जाएगा। आप एक चीज बताइए, शवगृह हमारा बन रहा है ट्रॉमा सेंटर के साथ, एक तरफ ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे रात को गर्भवती महिलाओं ने आना है, बच्चों ने आना है, बुजुर्गों ने आना है, हार्ट पेशेंट ने आना है, और दूसरी तरफ हमारी कैंटीन। यहाँ पे लोग जो अपने पेशेंट के साथ आते हैं वो खाना भी खाएंगे, नीचे जाएंगे भी, तो एक तरफ आपके सब पड़े रहेंगे। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल का हिस्सा है, लेकिन क्या यहाँ पे ही बनाना जरूरी है? आपको पता है जब एक डेड बॉडी कितने घंटे के बाद उसमें संक्रमण फैलने लग जाते हैं, तो वो यहाँ पे भी फैलेंगे। दो तीन तीन दिनों तक जो लावारिस लाशें हैं वो रखी जाती है डेड हाउस में, जब वो यहाँ पे रहेगी सड़ी गली हुई लाशें तो वहां से कितनी बीमारियां फैलेंगी। तो इसका मतलब ये हॉस्पिटल संक्रमण रोकने के लिए है या फैलाने के लिए है? वैसे ही आप देखते हैं इस हॉस्पिटल में यहाँ पे डॉक्टर ढंग के नहीं है, ना डॉक्टर मिलते हैं। आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे अगर